तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बाडोली के द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। और आज अपने नामांकन पत्र के दाखिल के दौरान आपको बता दें कि आज उनके साथ कई बड़े चेहरों की मौजूदगी रही है, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में आज उन्होंने पर्चा भरा। इसके बाद उनके साथ मंत्री महिपाल ढांडा, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए आपको बता दें कि एक वोट की अपील भी मोहनलाल बाडोली के द्वारा की गई है। तो आज नामांकन उन्होंने अपना दाखिल किया है, दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस नामांकन के दौरान मंत्री महिपाल ढांडा और सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी भी इस नामांकन दाखिले के दौरान रही है। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए वोट की अपील भी की गई है। तो बड़ी जानकारी है, सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बाडोली की ओर से आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। उनके नामांकन पत्र के दाखिल के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। मंत्री महिपाल ढांडा, सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। नामांकन से पहले आपको बता दें कि एक रोड शो भी उनके द्वारा किया गया है।